बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, सुबह सुबह फजर का टाइम हुआ हुआ था, मैं नमाज़ पढ़ चुके हैं और आज आपको हम दिखा रहे हैं मदनिया मस्जिद, बावलपुर की सबसे बड़ी यानी तबलीगी मरकज है ये। बावलपुर का सबसे बड़ा मस्जिद पहले था, यानी अब इसके बाद एक और भी बड़ा बन चुका है, वो भी इंशाल्लाह आपको जुमेरात वाले दिन दिखाएँगे। तो अभी ये देखें आप, उसके बाद हम चलेंगे जाएंगे पार्क। पार्क जाने के बाद आपने पार्क तो देखा ही है, आज आपको दूसरे रास्ते से दिखाएंगे। जी तो माशाल्लाह से हम मरकज़ से बाहर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मरकज़ बहुत बड़ा है, अंदर तो सारे बैठे थे इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सका। तो इसके बाहर आते ही ये सारी सामने ना वो इतर वाली परफ्यूम्स वाली दुकानें, जैसे कि यहाँ से लोग निकलते हैं, वो मिसवाक हो गई, इतर हो गई, रुमाल हो गए, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। वैसे तो अब हम जा रहे हैं पार्क, फ्रंट से तो आपने देखा है, जब भी गया हूँ मैं फ्रंट वाले रास्ते से ही गया हूँ। आज मैं आपको बैक से भी दिखाता हूँ कि बैक वाला रास्ता भी है एक बार का, वो भी अच्छा है, माशाल्लाह से प्यारा बना हुआ है। चलें वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जिस रास्ते से मैं निकला था साइड वाला, एक वो गेट है, एक ये गेट है मरकज़ का, तो हम यहाँ से भी आ जा सकते थे लेकिन ये बंद था, तो इसलिए हमें फ्रंट से आना पड़े। ठीक इसी के साथ बिल्कुल एक यानी मदरसा है बच्चों का, जैसे कि आप जिसमें बच्चे हिफ्ज़ वगैरह करते हैं, हाफिज़ बनते हैं, आलिम बनते हैं, उसी तरह का मदरसा है। तो ये जनाब आगे पार्क की बैक साइड, ये वहाँ तक। अच्छा जी, ये पार्क का आ जाता है बैक साइड, ये कुछ इस तरह से है। लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं और जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ अक्सर वो नमाज जनाजा भी होते हैं। ये पार्क की बैक साइड है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें। इस तरह का मौसम है, ये और जगह प्यारी लग रही है। यहाँ से आ जाते हैं हम ट्रैक पे वापसी। ये जगह आपने देखी होगी, मैं वॉक करते हुए आपको दिखाई है ये जगह। ये देखिए, ये वापसी हम फ्रंट पे आ गए, बैक से हैं। डेली हम वो सामने वाले गेट से आते हैं, आज हम बैक से हैं। तो अभी थोड़ी देर वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। Thank you.
का सूरज नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि धूप निकल आएगी। और वेदर के हिसाब से ऐप पे चेक किया है, गूगल वेदर तो बता रहा है कि आज सारा दिन धूप नहीं आएगी, लेकिन ये सूरज नज़र आ रहा है। गूगल पे क्या भरोसा कर सकते हैं इंसान जब तक अल्लाह पाक के हाथ में ये सब चीज़ें। तो करने के बाद एक्सरसाइज करने के बाद अभी निकले ही थे कि हम बारिश शुरू हो गई, जैसे आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं घर।